देखते हैं, जैसे आपके पास कोई थ्री वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, पीओएस फॉर्म में, तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ठीक है, तो आप इसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे ये अब जैसे पीओएस फॉर्म है, तो जीरो किसके इक्वल होगा? ए के, और वन किसके इक्वल होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो 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 के। ठीक है, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लो, जीरो जीरो वन, सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स वन। ठीक है, अब जीरो वन वन, ऐसे इसको सबको आप कन्वर्ट कर लोगे, वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन वन वन। ठीक है, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू होगी? जीरो, इसकी होगी वन, इसकी होगी थ्री, इसकी होगी फोर, ये हो गया आपके पास सिक्स, और ये हो गया सिक्स सेवन। ठीक है, तो ये आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको के मैप बनाना है, तो ये थ्री वेरिएबल्स है, तो कितने सेल्स बनाने पड़ेंगे? टू टू द पावर थ्री इज एट, एट सेल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप के मैप बना लो फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो ए बी सी दो, ये थ्री आपके वेरिएबल्स हो गए। अब ए की क्या पॉसिबिलिटी होगी? या तो वो जीरो होगा या वन। ऐसी बी सी की क्या होगी? जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है, अब अंदर जो नंबरिंग है उसको फिल कर लो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ये हमने के मैप बना लिया। अब देखो, ये हमारे पास पीओएस फॉर्म है, तो ये आपके पास टर्म्स होंगी, वो जो होंगी मैक्स टर्म्स। ठीक है, अब इन मैक्स टर्म्स की जगह आप जीरो फिल करोगे। ठीक है, वन की जगह क्या फिल करना है हमें पीओएसओ फॉर्म में? जीरो। ठीक है, तो अब आपके पास कौन, इसको आप फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। अब कौन सी प्रेजेंट है उनको लिख लो, जीरो वन थ्री फोर सिक्स सेवन। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसे। अब इसको आपको के मैप में फिल करना है। ठीक है, तो इसकी जगह आप इन मैक्स टर्म्स की जगह आप जीरो जीरो फिल करोगे। ठीक है, तो अब जीरो की जगह जीरो, वन की जगह जीरो, थ्री की जगह जीरो, फोर की जगह जीरो, सिक्स की जगह जीरो, सेवन की जगह जीरो, बाकी आपके आ जाएंगे वन। ठीक है, अब आपको ग्रुपिंग करनी है जीरो की। तो अब देखो कैसे ग्रुपिंग करोगे, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए इसको बोल लो जी वन, इसको मान लिया आपने जी टू, इसको हो गया जी थ्री। ठीक है, अब ग्रुप वन के लिए अब आपको क्या करना है, जो जिन वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है उनको लिखना है, और जिनकी वैल्यू डिफरेंट है उनको कैंसिल करना है। ठीक है, अब इस ग्रुप के लिए देखो, ए की वैल्यू क्या है? जीरो वन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके लिए बी और सी की कॉमन वैल्यू, बी और सी की दोनों के लिए कॉमन वैल्यू है जीरो जीरो। ठीक है, तो हम बी और सी को लिख लेंगे। अब ये जीरो जीरो है, मीन्स बी प्लस सी आएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जीरो मीन्स सिंपल वेरिएबल, वन मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी सी आ गया, ऐसे ग्रुप वन लिख लिया। अब ग्रुप टू के लिए लिख लो, ग्रुप टू के लिए अब देखो इसके लिए कॉमन वैल्यू क्या है, ए कॉमन है, ए लिख लिया हमने। अब ए की वैल्यू जीरो है, मीन्स सिंपल ए, और इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू कॉमन है, जीरो वन। देखो बी की वैल्यू चेंज हो रही है और सी की वैल्यू वन वन है, तो हम सी लिख लेंगे, और सी की वैल्यू वन है, इट मीन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब जी थ्री है, ग्रुप थ्री है ये वाला। अब ग्रुप थ्री के लिए अब देखो कॉमन वैल्यू है ए, ए की वैल्यू वन है, मीन्स हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। प्लस अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सी है, वन वन कॉमन है, मतलब बी की वैल्यू वन कॉमन है और सी की वैल्यू वन जीरो चेंज हो रही है, तो बी को लिख लो, बी वन है, मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने तीनों ग्रुप की वैल्यू लिख ली। अब लास्ट में क्या करना है, इन सबका प्रोडक्ट कर देना है इन टर्म्स का, बी प्लस सी का, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अब इनका प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगी आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीओएस फॉर्म में फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।